बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें बीवी का टीवी। एक ऐसा अभिनेता जिन्होंने छोटे से जीवन में किया बहुत बड़ा नाम, एक ऐसे कलाकार जिनकी जबरदस्त एक्टिंग ने किया हर चरित्र को साकार। प्यार में हुए नाकाम तो जिद ऐसी कि ताउम्र किया शादी से इनकार। एक्टिंग में डूबकर कभी बने गूंगे तो कभी बने पागल, जवानी में निभाया एक बुजुर्ग का किरदार। None other than शोले के ठाकुर संजीव कुमार। हाँ मैं कातिल हूँ लेकिन जन्म से नहीं। कपूर सिंह ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। राशन देना बहुत आसान है। अच्छी लड़कियाँ बिना किसी कारण न हंसती हैं न रोती हैं। ये रकम संभाल कर 22x2x Z में रख दे। जो आज्ञा गुरुदेव। क्लास छोड़ के जा। मुझ पे हंसो और चले जाओ। भाइयों और बहनों, मैंने कुछ नहीं किया है, आप चाहे तो हमारी जान बचा सकती हैं। अरे इस जवानी में इतने नाजुक हाथ, सिर्फ चूड़ियों की कमी है। बीवी का टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं इस बार थोड़ा लेट हूँ क्योंकि रिसर्च बहुत लेट तक चली है। आप तक पहुँचा रहे हैं संजीव कुमार साहब की बायोग्राफी और किशोर दा की बायोग्राफी का जो वादा है वो पूरा होगा, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगने वाला है क्योंकि आप जो चाहते हैं वैसी चीज मुझे बनाने में बहुत वक्त लगता है। तो आइए आज पहले देखते हैं संजीव कुमार साहब को। संजीव कुमार का जन्म हुआ था 9 जुलाई सन 1938 को। दोपहर के 2:30 बजे थे। जगह थी सांता क्रूज में मोजेश हॉस्पिटल। इनके पिताजी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे, इसीलिए श्री कृष्ण का नाम हरिहर इन्होंने इस बच्चे के लिए रख दिया और हरिहर आगे चलकर संजीव कुमार बने और हरि भाई नाम से भी फेमस हुए। और माताजी की बात करें तो शांता बेन इनकी माँ का नाम था, लेकिन इनकी बायोग्राफी में इनके पिताजी की कहानी जानना बहुत जरूरी है। संजीव कुमार साहब के फादर यानी जेठालाल जी की 3 शादियां हुई थी। पहली शादी सन 1918 में हुई, जिनसे हुई उनका नाम था शांति। शांति और जेठालाल जी के 2 लड़कियां हुई, जसवंती और लक्ष्मी। लेकिन शांति ज्यादा दिनों तक जेठालाल का साथ नहीं निभा पाई, भगवान के घर चली गई। तब जेठालाल ने दूसरी शादी की सन 1923 में, और इस बार जिस लड़की से शादी हुई उसका नाम भी शांति रखा गया क्योंकि पिछली पत्नी की याद थी। लेकिन ये शांति भगवती नाम की 10 महीने की बच्ची को छोड़कर भगवान के पास चली गई, यानी ये भी उनके जिंदगी में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई, लेकिन साथ छोड़ गई 10 महीने की बच्ची। अब जेठालाल जी बहुत परेशान रहने लगे, इसलिए उस बच्ची को उनके मामा के पास यानी उस लड़की के मामा के पास छोड़ा और बिजनेस में लग गए। अपने चचेरे भाई के साथ जरी का बहुत अच्छा बिजनेस किया उन्होंने और धीरे धीरे बिजनेस इतना बड़ा कि फिर सूरत से पहुंच गए बंबई के सांता क्रूज और वहां बहुत बड़ी आलिशान बिल्डिंग खरीदी गई। अब बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। तकरीबन 10 साल बीत गए थे पिछली शादी को 1923 में जो हुई थी। अब 1933 में इनकी फिर से शादी हुई, लेकिन ये नहीं चाहते थे करना जेठालाल, पर परिवार वालों ने बहुत समझाया, बिजनेस अच्छा चल रहा है आप शादी कर लीजिए। जावरबेन नाम की एक लड़की से इनकी शादी हुई, वो महज 14 साल की लड़की थी। जावरबेन से शादी हुई तो फिर से इन्होंने सोचा अपनी पत्नी की याद में इसका नाम भी शांति रखूं। लेकिन जेठालाल के रिश्तेदारों ने समझाया कि अब वो गलती मत करिए, शायद वो नाम आपके लिए अनलकी है जो जिंदगी में ज्यादा दिन तक नहीं रहता। फिर भी उन्होंने नाम चेंज किया और शांति तो नहीं शांता बेन नाम रखा। और फिर शादी के 5 साल बाद जन्म हुआ था हरिहर यानी संजीव कुमार का। और फिर संजीव कुमार के 2 भाई भी हुए और एक बहन। भाइयों के नाम रहे किशोर और नकुल और बहन गायत्री। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर साल 1949 के नवंबर महीने में जेठालाल को हार्ट अटैक आ गया। वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। उस वक्त हरिहर की उम्र सिर्फ 11 साल थी।
47 साल की उम्र थी जेठालाल की। निधन हुआ तो शांताबेन बुरी तरह से टूट गई। अब बच्चों को लेकर जाएं तो जाएं कहा, लेकिन जब परेशानियां आती है तो वो कई जगहों से आती है। ऐसा ही शांताबेन पर हुआ। शांताबेन पढ़ी लिखी नहीं थी और साथ ही बहुत भोली भी थी, और इसी बात का जेठालाल के भाई और बिजनेस पार्टनर ने फायदा उठा लिया। कुछ कागजातों पर साइन करवा लिए और संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा अपने नाम कर लिया। शांताबेन को जब ये मालूम चला तो वो बहुत दुखी हो गई। पति का भी निधन हुआ और इस तरफ संपत्ति और कारोबार भी धोखे से छीना जा चुका था। शांताबेन का कोई साथ भी नहीं दे रहा था, लेकिन शांताबेन ने हार नहीं मानी। कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया। रिश्तेदार उन्हें कहने लगे थे कि बंबई जैसे शहर में अकेले बच्चों को तुम पाल नहीं पाओगी, पर शांताबेन ने उस वक्त कहा था, बच्चों का भविष्य तो मुझसे ज्यादा उज्जवल है, इनके पिता से ज्यादा उज्जवल है, इसलिए इनके भविष्य की चिंता तुम मत करो। कानूनी लड़ाई में शांताबेन को थोड़ी सी जीत हासिल हुई, जिसके चलते रहने के लिए टैंक बिल्डिंग में 2 कमरे मिल ही गए, लेकिन शांति भवन का मालिकाना हक उन्हें खोना पड़ा। उस समय हरिहर यानी संजीव कुमार सेक्रेड हार्ट बॉयज हाई स्कूल में 6ठी क्लास में पढ़ा करते थे, पर कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें आलिशान शांति भवन को छोड़कर भुलेश्वर में शिफ्ट होना पड़ा। स्थितियां पहले से काफी बदल चुकी थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल का आने जाने का खर्च, पढ़ाई का खर्च अब शांताबेन के लिए बड़ा मुश्किल बनने लगा था। उनका दिल पूरी तरह टूट चुका था। इसी कारण उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल से निकालकर संजीव कुमार को एक गुजराती स्कूल में भर्ती करवा दिया। स्कूल का नाम था सेठ परमानंद दास त्रिभुवन दास विद्यालय, जिसको नानावती विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। शांताबेन अपने चारों बच्चों को लेकर 1 कमरे में शिफ्ट हो गई और 2 कमरे को किराए पर चढ़ा दिया ताकि कुछ आमद हो सके। शांताबेन ने यहाँ थोड़ी और हिम्मत जुटाई और कुछ पुराने जानकारों और कारीगरों से मिलकर जरी का काम करना फिर से शुरू कर दिया। हरिहर ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। पर शांताबेन ने कहा कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। लेकिन हरिहर तो जब भी स्कूल से आते अपनी माँ का हाथ बटाया करते थे जरी के काम में। उनका काम था पार्सल को जरी में पैक करना, पते लिखना और बंडलों को डाक घर तक पहुँचाना। ये सिलसिला चल रहा था। एक दिन हरिहर स्कूल से लौटे तो देखा कि माँ की आंखों से टप टप लगातार आंसू बह रहे थे। पता चला कि एक बहुत ही बड़ा ग्राहक, जो अक्सर बहुत सारा जरी का सामान खरीदा करता था, अब उसने सामान लेने से मना कर दिया। तब उस वक्त संजीव कुमार ने माँ से कहा, माँ मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता, मैं कोई नौकरी कर लूंगा, फिर आपका हाथ भी बढ़ जाएगा और पैसे भी आ जाएंगे। तब शांताबेन ने जवाब में कहा, किसी भी हालात में मैं तुम्हारी पढ़ाई से समझौता नहीं कर सकती, कुछ बरसों में सब ठीक हो जाएगा, देख लेना। और माँ की बात को मानते हुए पढ़ाई में ध्यान देने लगे संजीव कुमार। लेकिन एक ही कमरे में सबके रहते हुए संजीव अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तब एक दिन स्कूल टीचर ने कह दिया, हरिहर तुम स्कूल में अपना होमवर्क कर सकते हो और साथ ही यहीं पर पढ़ सकते हो। अब हरिहर को पढ़ाई के लिए स्कूल में स्टडी रूम भी मिल गया था। वहाँ संजीव कुमार के एक सर हुआ करते थे, जो कि मैथ्स और साइंस पढ़ाते थे, साथ ही वो पढ़ाते थे नाट्य शास्त्र। सर का नाम था तीतवाला। हरिहर के अंदर उन्होंने नाटक के अभिनेता को पहचान लिया था और उन्हें लगने लगा था कि ये लड़का आगे चलकर नाटकों में नाम कर सकता है, और हरिहर के अंदर भी नाटक और अभिनय के लिए लगाव होने लगा था। और उसी स्कूल में पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स को भी चुन लिया। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी किया करते थे और क्रिकेट के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जीत भी हासिल करवाई संजीव कुमार ने। और इस क्रिकेट के दौरान ही दूसरी स्कूल के गेंदबाज से संजीव कुमार की दोस्ती हो गई। इनके दोस्त को क्रिकेट के साथ सिनेमा से भी बड़ा प्यार था, तो यहीं से सिनेमा की एंट्री हो गई संजीव कुमार की लाइफ में। संजीव अपने दोस्त से काफी मिलने लगे थे। किसे पता था कि ये दोनों ही दोस्त आगे चलकर सिनेमा के नाम बनेंगे। एक बनेगा हरिहर यानी संजीव कुमार और दूसरे बनेंगे सत्येन कापू। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि माँ को कैसे बताएं। इसीलिए माँ को ये नहीं कहा कि मुझे नाटकों से प्रेम होने लगा है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी माँ उनके लिए कैसे कैसे सपने देखती हैं। वहीं शांताबेन इस बात से भी फिक्रमंद थी कि हरि अगर अंग्रेजी अच्छे से नहीं जानेगा तो डॉक्टर या वकील कैसे बनेगा। हरिहर पढ़ाई करते रहे और उन्हीं दिनों में सन 1952 में एक फिल्म आई थी बैजू बावरा,
जो कि हरिहर ने सत्येन कापू के साथ मिलकर देखी और यहीं से हरिहर के दिल और दिमाग पर फिल्मी भूत पूरी तरह से छा गया। वो चाहकर भी अपने सिनेमा के प्यार को नहीं छिपा पा रहे थे और वहीं फिल्म की अभिनेत्री मीना कुमारी भी उनके दिलो दिमाग पर छा चुकी थी, इसलिए जब भी बात करते तो मीना कुमारी के लिए कुछ ना कुछ कहना शुरू करते थे। फिल्मों के प्रति दीवानगी ऐसी दिमाग पर हावी थी कि फिल्म का सिर्फ एक पोस्टर देखने के लिए मीलों पैदल चलकर उस पोस्टर को निहारा करते थे। शांताबेन को अब हरिहर का भविष्य अंधेरे में जाता हुआ दिखाई देने लगा था। उन्हें पता चल गया था कि बच्चा किस राह पर चल पड़ा है। सारी गलती उन्होंने टीचर की समझी, इसीलिए शांताबेन सीधा पहुंच गई इनके स्कूल और नाटक के टीचर को जमकर डांट पिलाई। मैंने अपने बेटे को आपके स्कूल भेजा ताकि उसके भविष्य का सही निर्माण हो सके, पर आप उसे एक्टिंग की तरफ मोड़ रहे हैं। हरिहर पृथ्वीराज कपूर की संतान नहीं है, उन्हें एक्टिंग में मौका देगा कौन? हम गरीब लोग हैं साहब, हम इतने बड़े सपने नहीं देखते जितने बड़े सपने आप हरिहर को दिखा रहे हैं। ड्रामा टीचर ने शांताबेन की बात को बड़ी शांति से सुना और फिर कहा, हरिहर तो स्कूल के बेहतरीन बच्चों में से एक है, रोज स्कूल आता है और हमारे स्कूल का हर टीचर उससे प्यार करता है। वो सफलता के रास्ते पर चल रहा है और आपको शायद ये नहीं पता कि एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा एक्टर भी बन सकता है। मैं ड्रामा का टीचर हूँ और हरिहर के टैलेंट को देखकर ही मैं उसे मोटिवेट कर रहा हूँ। संजीव कुमार की माँ ये बातें सब सुनती रही और उनका दिल टूट रहा था। वो सोच रही थी कि जो बच्चे के लिए मैंने सोचा था वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ऐसे में शांताबेन ने एक तरकीब निकाली और उन्होंने सोचा कि अगर हरिहर की शादी कर दी जाए तो वो अपनी जिम्मेदारी ज्यादा समझेगा और अभिनय का रास्ता छोड़ देगा। अब 16 साल के हरिहर की सगाई कर दी गई एक गुजराती लड़की से। लड़की का नाम था हंसुइया, पर हरिहर की दिलचस्पी ना होने के कारण कई सालों तक सगाई ही रही और शादी में तब्दील नहीं हो पाई। हरिहर शादी इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें यकीन होने लगा था कि उनका भविष्य सिर्फ एक्टिंग में है और अब तो अभिनय को और भी सीरियस लेना शुरू कर दिया संजीव कुमार ने। मेरी जिंदगी के लिए अपने आप को छोटा मत करो माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। हरिहर को एहसास हुआ कि मेरी आवाज कमजोर है, इसमें मुझे और मेहनत करनी होगी, इसलिए हरिहर ने डायलॉग्स को पढ़ने के लिए एक लाइन को अलग अलग पिच पर और अलग अलग टोन के साथ बोल बोल कर पढ़ा और अपने टीचर सीएच इंतवाला की निगरानी में इन्होंने घंटों तक अपनी आवाज पर रिहर्सल किए, डायलॉग डिलीवरी को सुधारा और एक्टिंग का अभ्यास किया। लेकिन अब हरिहर को ये भी लगने लगा था कि अगर मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है तो एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। उस वक्त मशहूर निर्माता शशिधर मुखर्जी की एक एक्टिंग स्कूल हुआ करती थी फिल्मालय, उसमें एडमिशन लेने की इच्छा से पहुंच गए संजीव कुमार, पर वहां जब फीस सुनी तो फीस की राशि सुनकर ही इनका मन निराश हो गया। उदास मन से घर पहुंचे संजीव कुमार और बिना खाना खाए ही सोने चल दिए। शांताबेन समझ गई कि मेरा बेटा परेशान है। तब हरिहर को प्यार से समझाकर शांताबेन ने उनकी परेशानी का हल अपने गहने बता दिया और उन्होंने कहा, अब तुम्हारे पिता के जाने के बाद ये गहने मेरे किसी काम के नहीं हैं। हरिहर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन शांताबेन अपने बेटे की इच्छा पूरी करना चाहती थी। उन्होंने संजीव कुमार को मना लिया और जो गहनों से रुपया मिला उससे दाखिला हुआ एक्टिंग स्कूल में। संजीव कुमार ने जब वहाँ पढ़ाई करना शुरू किया तो सभी को वहाँ एहसास हो गया कि संजीव कुमार एक अद्भुत छात्र है। वो कुछ ही मिनटों में किरदार को अंदर और बाहर दोनों तरफ फील कर लेते थे और उस एक्टिंग क्लास में इनके साथी हुआ करते थे मैक मोहन। बहारें आई मोहब्बत के गुलिस्तान में और हम भटकते रह गए बयाबा में। वाह भाई वाह। ये झुकी 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 निगाहें। एक दिन फिल्मालय में अभिनेता महेश देसाई आए और हरिहर को उन्होंने वहाँ एक्टिंग करते हुए देखा तो वो बड़े इम्प्रेस हो गए। शशधर मुखर्जी को भी ये महसूस हो गया था कि अब हरिहर बहुत परिपक्व हो चुके हैं और बड़े मंच पर इनके जाने का समय आ गया है। तब संजीव कुमार पहुँचे इप्टा और उनकी मुलाकात हुई एके हंगल से। एके हंगल काफी प्रभावित हुए इनकी बातों से, पर जब उन्होंने हरिहर को ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि ये सल भरा सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ ये लड़का जिसके पाँव में चप्पल है, ये अभिनेता तो कभी भी नहीं बन पाएगा। इसी बात को सोचते हुए एके अंगल ने कहा,
कि हरिहर, जब भी तुम्हारे लायक मेरे पास कोई अच्छा रोल आएगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, और ऐसा कहकर इनसे किनारा कर लिया। पर संजीव कुमार को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। वो अक्सर एके हंगल के पास जाते और अपनी पुरानी कही बात को याद दिलाते कि आपने कहा था कि तुम्हारे लिए कोई रोल आएगा तो जरूर बताऊंगा। उस वक्त एके हंगल एक नाटक तैयार कर रहे थे जिसका नाम था डमरू। उसकी रिहर्सल चलती थी तो संजीव कुमार रोजाना वहां जाते और उस रिहर्सल को देखते, लोगों की परफॉर्मेंस देखते। तो वहां एक दिन डायरेक्टर आरएम सिंह आए तो उन्होंने देखा कि हरिहर एक कोने में बैठा है। तब उन्होंने हरिहर को कहा कि तुम मेरे एक नाटक में काम करो। नाटक का नाम था मजमा। ये एक शॉर्ट स्ट्रीट प्ले था, उसमें जादूगर की भूमिका थी। हरिहर ने तुरंत स्वीकार ली क्योंकि काम करने का बड़ा मन था, लेकिन 60 पेज के लंबे डायलॉग थे और 4 दिन में ही रिहर्सल करनी थी। संजीव कुमार ने ये चैलेंज लिया और वो नाटक कर दिया। दुनिया की बेशुमार जुबानें यकसा लफ्जों में इस जगह के खिलाफ गुस्से और नफरत का इजहार करती है। वो कहती है ये बुरी जगह है, यहाँ जुआ खेला जाता है। मैं उन नामुनसिफ मुनसिफों से दरियाफ्त करता हूँ कि अगर ये जगह जुआ खाना होने की वजह से सोसाइटी की मुजरिम करार दी जाती है तो तुम्हें तमाम जहान के खिलाफ फर्द जुर्म लगानी चाहिए। जब एके हंगल ने ये मजबा नाटक देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और खुद रियलाइज करने लगे, पश्चाताप करने लगे कि मुझे हरिहर का ये टैलेंट क्यों नहीं दिखाई दिया, मैं क्यों उसके पहनावे पर ही अटक गया। डमरू की कास्ट तो लेकिन फाइनल हो चुकी थी, लेकिन एके हंगल ने अब सोच लिया था कि इस लड़के को तो मैं अपने नाटक में जरूर लूंगा। और उस वक्त एक रोल बचा भी था, वो था 60 साल के बुजुर्ग का रोल जिसके 6 बच्चे थे। अब 19 साल का हरिहर और 60 साल का किरदार निभाए, ये लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन 19 साल के संजीव कुमार ने बखूबी तरीके से इस रोल को निभा दिया और किसी को पता भी नहीं चला कि ये लड़का 60 साल का नहीं है। जब हंगल ने ये रोल हरिहर को दिया था तब शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी साहब ने कहा था, तुम ये फ्लॉप शो की तैयारी कर रहे हो हंगल, 19 साल के लड़के को बुजुर्ग की भूमिका दोगे, कैसे चलेगा। और उस वक्त तो कैफी आजमी को भी अंदाजा नहीं था हरिहर आगे चलकर संजीव कुमार बनेगा और उन्हीं की बेटी शबाना आजमी का हीरो भी बनेगा। अब इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा में हरिहर बहुत ही जल्दी प्रसिद्ध हो गए, हर जगह उनका नाम लिया जाने लगा और सबके चहेते भी बन गए। बलराज साहनी, कैफी आजमी, बासु भट्टाचार्य, सभी लोग इनके तारीफों के पुल बांधने लगे। लेकिन सिर्फ तालियों से घर नहीं चलता, नाटकों में तालियां तो मिलती, वाह वाह ही मिलती, पर दूसरी तरफ देखें तो हरिहर की पैसों की समस्या का ढंग से इलाज नहीं मिल रहा था। पैसे बचाने के लिए संजीव कुमार लंबी दूरी भी पैदल ही तय किया करते थे, किसी बस या रिक्शे में सफर नहीं करते थे। संजीव कुमार की एक्टिंग की बात करें तो जिस भी नाटक में जो भी सीन करते उस सीन को देखकर दर्शक उनके एक्टिंग में खो जाते थे, ऐसा हिप्नोटाइज कर देते थे कि लोग दीवाने हो जाते थे संजीव कुमार की एक्टिंग के। ऐसे ही एक दीवाने दर्शक थे जमुना दास, भगन लाल ड्रेस वाला, उनके यहाँ काम करते थे जमुना दास। और जमुना दास अक्सर जब ड्रेसेस लेकर जाते तो संजीव कुमार की एक्टिंग को देखकर बड़े प्रभावित होते। और एक बार जब उनकी मुलाकात संजीव कुमार से हुई तो जमुना दास ने कह दिया कि मैं आपका सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ। यहाँ जमुना दास अच्छी तरह से ये भी जानते थे कि हरिहर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास खुद का खर्च चलाने के भी पैसे नहीं होते हैं। तो जमुना दास ने हरिहर से बात बात में ये भी कह दिया, मुझे आपसे सैलरी नहीं चाहिए, पर जब आप कामयाब हो जाएंगे ना तब मैं आपसे सैलरी ले लूंगा, लेकिन आप मुझे अपना सेक्रेटरी बना लीजिए। तो यहाँ गौरतलब बात ये भी है कि हरिहर पहले ऐसे अभिनेता बने जिनके पास फिल्मों से पहले सेक्रेटरी आ चुका था। हरिहर की शुरुआत मंच पर तो बहुत ही शानदार रही थी, लेकिन फिल्मी गलियारों में सफलता पाना इतना आसान नहीं होता। निर्देशकों और निर्माताओं से मिलने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी संजीव कुमार को। जमुना दास भी अधिकतर उनके साथ पैदल ही जाया करते थे क्योंकि पैसा कहाँ था। बात यहाँ तक भी आ चुकी थी कि हरिहर पैसे बचाने के लिए सिगरेट भी नहीं खरीदते थे। कपड़ों के नाम पर हरिहर के पास सिर्फ 2 कुर्ता पायजामा की जोड़ी थी। हर रात कुर्ता पायजामा धुला करता था ताकि सुबह तक साफ सुथरा मिल जाए। लेकिन संजीव कुमार ये जानते थे कि अगर किसी को हीरो बनना हो तो ऐसी ड्रेसेस यानी कुर्ता पायजामा कभी भी हीरो की ड्रेस होती ही नहीं है। लेकिन जब किस्मत में लिखा हो कि हीरो तो बनना ही है तो चाहे कुर्ता पायजामा पहनो या कुछ भी पहनो, किस्मत तो वहाँ ले ही जाती है। ऐसा ही हुआ संजीव कुमार के साथ। संजीव कुमार की एक्टिंग स्कूल के
कुछ होनहार छात्रों को चुना जा रहा था एक फिल्म के लिए। उसमें नाम था संजीव कुमार का भी, और संजीव कुमार को फिल्म में एक छोटा सा रोल ऑफर कर दिया गया 12 रुपए प्रति शिफ्ट के साथ। हरिहर ने ये रोल स्वीकार भी लिया। यहाँ खास बात ये भी है कि इस रोल में हरिहर का कोई भी डायलॉग नहीं था। 1960 में ये फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था हम हिंदुस्तानी। छोटा सा रोल था, पर जब इन्हें फिल्म में काम करने के पैसे मिले तो बड़े खुश हुए, और जो पैसा मिला उसे सीधा ले गए घर और अपनी माँ के हाथ में रख दिए। शांताबेन बड़ी खुश हुई और अपने बेटे को मुंबा देवी मंदिर ले गई, और हरिहर की कमाई से कुछ पैसे उन्होंने मुंबा देवी के सामने अर्पित कर दिए। फिल्म जब रिलीज हुई तो माँ मूवी देखने भी साथ गई। फिल्म में जब छोटा सा रोल देखा तो माँ बड़ी दुखी हुई और फिर पूछ बैठी, क्या मैं तुम्हें और मूवीज में भी काम करता देखूंगी क्या? तब संजीव कुमार ने पूरे विश्वास के साथ कहा था, हाँ माँ, मैं और फिल्मों में काम करूंगा, लेकिन जरूरी तो नहीं कि एक फिल्म में काम मिल जाए तो आगे काम मिलेगा ही। ऐसा ही संजीव कुमार के साथ भी हुआ। वही बातें इन्हें भी सुननी पड़ी। अक्सर ये निर्देशकों और निर्माताओं के चक्कर लगाते। वहां जब पहुंचते तो लोगों के यही बातें सुनने को मिलती कि अभी काम नहीं है, सर अभी बिजी हैं, बाद में आना, देखते हैं, ये सब बातें सुनने लगे। और ऐसे में इनका भी विश्वास डगमगाने लगा कि शायद मुझे काम ना मिले। और एक वाक्या तो ऐसा हुआ कि इनका दिल ही टूट गया। वो वाक्या ये था कि 1963 में एक फिल्म आई थी अकेली मत जइयो, जिसके निर्माता थे चंदूलाल शाह। वो कुछ कलाकारों की तलाश कर रहे थे। जब उन्होंने हरिहर को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी फोटो के पीछे एड्रेस लिख दो और ऑफिस में छोड़ दो। अब हरिहर यानी संजीव कुमार को यकीन हो गया था कि जिस ब्रेक का मैं इंतजार कर रहा था वो मुझे मिलने वाला है। पर चंदूलाल शाह की तरफ से अगले दिन तक जब कोई जवाब नहीं आया तो हरिहर खुद उनके ऑफिस पहुंच गए उनसे मिलने के लिए। लेकिन क्या देखा, ऑफिस के अंदर जाने से पहले ही उनकी नजर वहां पड़े हुए एक डस्टबिन पर पड़ी, जिसमें हरिहर की तीनों तस्वीरें पड़ी थी। इससे पहले हरिहर ने इतनी बेइज्जती कभी महसूस नहीं की थी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि वो कभी भी इस आदमी के साथ तो काम नहीं करेंगे जिसने मेरी फोटो ही डस्टबिन में डाल दी। लेकिन चाहे कितनी ही मुश्किलें हों, मेहनत रंग जरूर लाती है। ताराचंद बड़जात्या की एक फिल्म आने वाली थी आरती, जो कि 1962 में रिलीज हुई थी। उसके डायरेक्टर थे फनी मजूमदार, जिसमें मीना कुमारी और अशोक कुमार अहम भूमिका में थे। इन दोनों को साइन किया जा चुका था और एक मुख्य भूमिका बाकी थी, जिसमें हीरो कुर्ता पायजामा पहने हुए रहता है और एक गरीब और बेबस चरित्र था। फिल्म के डायरेक्टर फनी मजूमदार से जब हरिहर ने मुलाकात की थी, तब उन्हें देखते ही डायरेक्टर को पसंद आ गया ये लुक, और उन्होंने कहा कि तुम स्क्रीन टेस्ट दो, क्योंकि मेरे फिल्म का एक्टर तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहनता है और ऐसा ही है। हरिहर बहुत खुश हुए, और ये भी खुशी का कारण था कि मीना कुमारी उनकी पसंदीदा एक्टर है और उनके साथ काम करने का मौका भी मिल जाएगा। फनी मजूमदार संजीव कुमार को हीरो की नजर से देखने लगे थे, पर ताराचंद बड़जात्या ने किसी भी नए लड़के को फिल्म में लेने से इनकार कर दिया और उनकी जगह फिल्म में ले लिया गया प्रदीप कुमार को। जब संजीव कुमार को ये बात पता चली तो उनका दिल फिर से टूट गया और अपने सपने मिट्टी के ढर्रे की तरह बहते हुए से लगने लगे। और सबसे ज्यादा अजीब तो ये था कि उनको फिल्म में काम ना देने की वजह भी बड़ी अजीब सी बताई गई। कहा गया कि हरिहर तुम्हारे दांतों की हालत खराब है, इसलिए हम तुम्हें फिल्म में नहीं ले सकते। अब हरिहर का आत्मविश्वास ये बातें सुनकर पूरी तरह से टूट चुका था। ये सारा कसूर मेरा है, मेरा क्या, गरीबी का। उस दिन बिना खाना खाए ही कंबल में मुंह छिपाकर सो गए। माँ ने देखा तो समझ गई और कह दिया, हरिहर हालातों का सामना करना सीखो, मुंह छिपाकर कंबल में लेटने से क्या होगा। और इसी के साथ कुछ ही दिनों में सरस्वती चंद्र नाम की फिल्म हरिहर की लाइफ में आ गई। गोविंद सरिया ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस फिल्म में हीरो बनने वाले हो और ये फिल्म सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। पर बदकिस्मती ऐसी थी कि सरस्वती चंद्र को बनाने में बहुत देर लग गई। माली हालत भी खराब थी, ठीक कुछ भी नहीं चल रहा था, इसीलिए फिर बी ग्रेड की फिल्मों को साइन करना शुरू किया संजीव कुमार ने। अब संजीव कुमार का नाम फिल्मों में कैसे चेंज हुआ इसकी बात करें तो पहली फिल्म थी हम हिंदुस्तानी, जिसमें इनका नाम संजीव कुमार नहीं था। उस वक्त दोस्तों ने कहना शुरू किया था, यार तुम्हें नाम बदल लेना चाहिए। तब हरी ने सोचा, मेरी माँ का नाम जब शांता बेन है तो क्यों ना एस नाम से ही अपना नाम रखूं। और इसीलिए फिर इन्होंने अपना नाम रख लिया संजय कुमार। 1964 में रिलीज हुई फिल्म आओ प्यार करें में सिल्वर स्क्रीन पर नाम लिखा आया
संजय कुमार। लेकिन उन्हीं दिनों संजय राम से एक और एक्टर मशहूर हुए, वो थे संजय खान, जिनकी 1964 में आई फिल्म दोस्ती बड़ी हिट साबित हुई थी। अब ऐसे में संजय खान के होते हुए संजय कुमार हरी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए फिर सोच समझकर हरी भाई जरीवाला ने अपना स्क्रीन नाम रख दिया संजीव कुमार। 1965 में रिलीज हुई फिल्म निशान, जिसमें संजीव कुमार के नाम से बतौर हीरो नजर आए हरी भाई जरीवाला। कौन हो तुम? जी बस यूं ही मुसाफिर हैं। क्या देवपुर की जागीर पिताजी को लौटा देंगे? क्या हमने लौटा दी तुम्हें? इसी बीच कई बी ग्रेड वाली स्टंट फिल्में भी इनके नाम पर थीं, जिनमें 1966 में पति पत्नी, स्मगलर, अलीबाबा 40 चोर, वहीं 1967 और 68 में गुनहगार, नौनिहाल, अनोखी रात, ऐसी कई फिल्मों में संजीव कुमार नजर आए, पर ये फिल्में चली नहीं। पर संजीव कुमार अपने अभिनय के दम पर सबके दिलों पर छाप छोड़ते चले गए और एक के बाद एक फिल्मों में नजर आते चले गए। एक दिन संजीव कुमार को पता चला कि बी आर चोपड़ा दो फिल्में बना रहे हैं। तब संजीव कुमार ने अपनी बी ग्रेड की छवि को मिटाने के लिए हड़बड़ी में अपनी पसंदीदा ड्रेस, कुर्ता पायजामा और चप्पल पहना और चल पड़े। लेकिन यश चोपड़ा और बी आर चोपड़ा ने जब इन्हें देखा तो अपनी फिल्म में लेने से मना कर दिया। बाद में ये भूमिकाएं फिरोज खान को मिली थी। अब संजीव कुमार अपने इस स्ट्रगल वाली लाइफ से बहुत तंग आ गए थे। वो सोचते थे कि यहाँ पर किसी टैलेंटेड एक्टर की जरूरत है ही नहीं, यहाँ तो किसी जानकार को भी काम दिया जाता है। ये सब सोचकर वो सोचने लगे थे कि मैं अब साबुन का कारोबार करूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। उदास होने की वजह भी साफ साफ थी कि सरस्वती चंद्र और आरती जैसी फिल्में इन्हें मिलकर भी नहीं मिली थी। इसी कारण अपने घर बार को चलाने के लिए बी ग्रेड की फिल्में साइन करनी पड़ी थी संजीव कुमार को। सरस्वती चंद्र की बात करें तो इसकी शूटिंग भी शुरू हो गई थी, और संजीव कुमार को जब पता चला कि मुझे फिल्म से निकाल दिया गया है, तब इन्होंने जाकर पूछा गोविंद सरिया से कि मुझे फिल्म से क्यों निकाला गया। तब उन्होंने कहा कि हमारे फिल्म में बी ग्रेड फिल्में करने वाला स्टंट हीरो नहीं चाहिए। अब संजीव कुमार को और धक्का लग चुका था कि मैं कितना बदकिस्मत हूँ, लेकिन किस्मत जरूर दरवाजा खटखटाती है, इंतजार करना होता है। सन 1968 में संजीव कुमार के जीवन में आया बदलाव। निर्माता एचएस रवेल एक ऐसे अभिनेता की तलाश कर रहे थे जो कि ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के आगे अपनी पकड़ बना सके। जाने माने एक्टर्स ने दिलीप कुमार के सामने वो रोल करने के लिए मना कर दिया। जब संजीव कुमार को पता चला तो इन्होंने सोचा ये रोल मैं करना चाहूंगा। एचएस रवेल से मिलने की बड़ी इच्छा हुई, लेकिन पिछले कड़वे अनुभव उनको झकझोर रहे थे, इसलिए जमुना दास को इन्होंने कहा कि तुम जाकर मिलो और पूछो क्या संजीव कुमार को आप इस फिल्म में लेना चाहेंगे। वहाँ तो बहुत लोग होंगे, हमें तो कोई जाने भी नहीं देगा। जमुना दास संजीव कुमार की फोटो लेकर एचएस रवेल के ऑफिस पहुंच गए और उनकी प्रतिभा का खूब बखान करने लगे। लेकिन डायरेक्टर ने कह दिया कि इनके लायक कोई रोल आएगा तो जरूर बताएंगे। लेकिन जमुना दास तो अब रोजाना एचएस रवेल के ऑफिस जाने लगे। एचएस रवेल ने एक दिन तंग आकर अपने सिक्योरिटी गार्ड से कह दिया, जमुना दास को ऑफिस में मत आने दिया करो। जमुना दास इस बात से बहुत परेशान हो गए। दो दिन बाद जब जमुना दास से संजीव कुमार ने पूछा कि क्या हुआ, तब जमुना दास ने कहा अभी डायरेक्टर बिजी है, अगले हफ्ते बुलाया है। जमुना दास सच बोलकर संजीव कुमार का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। इसी उधेड़बुन में जमुना दास को याद आया कि रमेश सहगल उनके खास दोस्त हैं और रमेश सहगल एचएस रवेल को भी जानते हैं। रमेश सहगल जाने माने निर्देशक रहे हैं। अगली सुबह जमुना दास पहुंच गए रमेश सहगल के ऑफिस और संजीव कुमार की फोटो का लिफाफा पकड़ा दिया, और रमेश सहगल ने भी यकीन दिलाया कि मैं जरूर कोशिश करूंगा और एचएस रवेल से बात करूंगा। जब सहगल और एचएस रवेल मिले तब लिफाफा खोला और फोटो देखकर दोनों ही हैरान हो गए, क्योंकि जिसकी ये फोटो थी इन्हें ये दोनों ही ढूंढ रहे थे। बात उस वक्त की है जब इप्टा में नवरात्रि फेस्टिवल हुआ करता था और नाटकों में अभिनय करते थे संजीव कुमार। बादशाह ताकत से खेलता है, मुदब्बिर कलम से खेलता है, फिलोसफर दिमाग से खेलता है और सिपाही तलवार से खेलता है। दर्शकों में एक दिन रमेश सहगल और एचएस रवेल भी बैठे थे। उन्होंने इनकी एक्टिंग देखकर सोचा था कि एक दिन ये लड़का महान अभिनेता बनेगा, लेकिन समय के साथ ये दोनों ही भूल चुके थे और उन्हें नाम भी याद था तो सिर्फ हरिहर जरीवाला। संजीव कुमार का नाम तो कहीं दूर दूर तक दोनों ने नहीं सुना था। संजीव कुमार ने कभी नहीं सोचा था कि जमुना दास जिस काम के लिए गए हैं उसमें सफल होकर ही लौटेंगे। संघर्ष फिल्म संजीव कुमार की लाइफ में आई और फिल्मों का स्ट्रगल यहीं खत्म हो गया, और संघर्ष फिल्म में दमदार अभिनय के साथ नजर आए
संजीव कुमार। इस फिल्म के डायलॉग लिखे थे गुलजार ने। संजीव कुमार ने इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण भूमिका थी। कुल्हन, दुश्मनी में सब कुछ जायज है, बाप दादाओं के खून का बदला लेना संतान का फर्ज है। एक दिन संघर्ष फिल्म के सेट पर संजीव कुमार से जमुना दास के बारे में पूछ लिया एचएस रवेल ने। उन्होंने पूछा, ये जमुना दास कौन है? क्या ये आपके रिश्तेदार हैं? जब ये फिल्म के लिए मेरे पास आए थे तब मैंने इनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया था, मैंने तुम्हारी तस्वीरें तक फेंक दी थी, और तो और गार्ड से मैंने धक्के भी दिलवाए थे, लेकिन ये आदमी तुम्हारे लिए बड़ी मिन्नतें करता रहा, ऐसा काम तो कोई अपने बेटे के लिए ही कर सकता है। जब संजीव कुमार को ये पता चला कि सेक्रेटरी बनकर जमुना दास इतनी परेशानियां झेल चुके हैं, बहुत कुछ सहन कर चुके हैं, तब संजीव कुमार ने भावुक होकर एचएस रवेल को कह दिया, जी हाँ, वो मेरे पिता समान ही हैं। और इस घटना के बाद संजीव कुमार ने जमुना दास को हमेशा जमुना दास जी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। संजीव कुमार के अभिनय ने सबको अपना दीवाना बना दिया। उस वक्त जिन्होंने संजीव कुमार को मना किया था कि तुम हीरो लायक नहीं हो, वो निर्माता निर्देशक भी अब संजीव कुमार के घर के चक्कर लगाने लगे थे। ये था अभिनय का जादू संजीव कुमार का। संघर्ष फिल्म संजीव कुमार को पहचान दिलाने वाली फिल्म बनी। इसके बाद 1968 में शिकार फिल्म में इन्होंने पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई, जिसके लिए इन्हें सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। संजीव कुमार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ चुके थे। उसके बाद आशीर्वाद, राजा और रंक और अनोखी रात, ये तीनों फिल्में 1968 में आई, और सत्यकाम फिल्म आई 1969 में, जिसको देखकर लोग दंग रह गए। उन्हीं दिनों गुलशन नंदा के उपन्यास पत्थर के होंठ, इस पर एक फिल्म बन रही थी। एलवी प्रसाद उसमें गुरुदत्त को लेना चाहते थे और फिल्म का नाम था खिलौना, पर गुरुदत्त अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एलवी प्रसाद गुरुदत्त के बिना ये फिल्म बनाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन काफी सोच विचार हुआ, उसके बाद संजीव कुमार का नाम फाइनल किया गया, क्योंकि उसी समय गुजराती फिल्म मारे जाऊं पहले पार में संजीव कुमार ने एक ऐसी ही भूमिका निभाई थी जैसा एलवी प्रसाद चाहते थे। और उसी भूमिका के लिए गुजरात राज्य ने अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी दिया था संजीव कुमार को, और इस तरह खिलौना फिल्म में संजीव कुमार की एंट्री हुई। सनी पोलमा पंदर पगथिया चढ़वा उतरवा मही महादेव ना दर्शन करवा घर पछवाड़े ओट लो ने सीता जी नो वाड़ो चोट लो। खिलौना वो फिल्म थी जिसे बहुत सावधानी से बनाया गया। मानसिक बीमारी वाले लोगों पर काफी शोध किया गया और 17 महीनों में स्क्रिप्ट लिखी गई थी खिलौना फिल्म की। इस फिल्म में जीतेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा भी सपोर्टिंग रोल में साथ में थे। अबे बिहारी, अच्छा तो तुम हो। फिल्म की शूटिंग में बाहर के लोगों के आने जाने पर पाबंदी थी। एक दिन फिल्म के निर्देशक को लगा कि शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर हमने बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि बिहारी का रोल शत्रु अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। वो सोचने लगे कि किसी और को लिया जाए, लेकिन जब ये बात संजीव कुमार और मुमताज को पता चली तो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा का पक्ष रखा और बीच बचाव करने पहुंच गए। निर्देशक को मानना पड़ा और यहीं से मुमताज, शत्रुघ्न सिन्हा और संजीव कुमार की दोस्ती हुई, जो ता उम्र चली। बदमाश, गुंडा, तू खूनी है, खूनी। संजीव कुमार की आदत थी कि वो अक्सर फिल्म की शूटिंग पर लेट पहुंचते थे। एक दिन डायरेक्टर ने उनसे कह दिया, संजीव साहब, आप जैसे लेट आते हैं वैसे आगे मत आइएगा, और उसी के बाद सीन शूट होना शुरू हुआ। शूटिंग में सीन आया जब पटाखों की आवाज सुनकर कैरेक्टर विजय, जो संजीव कुमार निभा रहे थे, वो अपनी याददाश्त खो बैठता है। सीन लंबा था, बहुत ज्यादा टफ भी था, पर संजीव कुमार ने अपने बेहतरीन अभिनय के चलते सीन इतना दमदार तरीके से निभाया, कम टाइम में ही वो सीन शूट ओके हो गया। उस एक्ट का असर डायरेक्टर पर ऐसा पड़ा कि उन्होंने संजीव कुमार से कह दिया, आप देर से आओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस पहले बता दिया करो कि आप देर से आने वाले हो। इस तरह से संजीव कुमार ने अपने अभिनय से ही जवाब दे दिया डायरेक्टर को कि मैं अपने मन का मालिक हूँ। फिल्म के कैमरामैन द्वारका दिवेचा थे। संजीव कुमार की फिर इनसे भी अच्छी दोस्ती हो गई, और द्वारका दिवेचा ने ही संजीव कुमार को प्यार से गुजरात नो गंडो कहना शुरू किया।
और यही द्वारका दिवेचा आगे चलकर शोले फिल्म के कैमरामैन बने थे। 17 महीनों में लिखी गई फिल्म खिलौना की शूटिंग 7 महीने में पूरी हो गई और फिल्म के रिलीज होते ही संजीव कुमार बन गए एक सुपरस्टार। हर फिल्म मैगजीन में संजीव कुमार का ही नाम था। फिल्म को ऐसी जबरदस्त कामयाबी मिली कि 1971 में फिल्म फेयर अवार्ड में 6 जगह नॉमिनेट हुई ये फिल्म, और इसी फिल्म में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला संजीव कुमार को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मुमताज को दिया गया। और खिलौना फिल्म के बाद ऐसे ही कैरेक्टर वाली फिल्मों की लाइन लग गई संजीव कुमार के सामने। मेरी सपना। लेकिन संजीव कुमार ने सिर्फ अनहोनी फिल्म को ही साइन किया। ये फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में संजीव कुमार एक पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं जो कि अपराधी को पकड़ने के लिए पागल का नाटक करते हैं। अब दस्तक फिल्म की बात करें तो 1970 की ये फिल्म थी जिसकी कास्ट फाइनल हो चुकी थी, लेकिन डायरेक्टर बेदी के बेटे ने संजीव कुमार को लेने की बात कही। एके हंगल ने भी सिफारिश की और इस तरह से दस्तक फिल्म संजीव कुमार की झोली में आई। लेकिन उस वक्त तक खिलौना फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। दस्तक सुपरहिट फिल्म बनी और संजीव कुमार को इसी फिल्म के लिए सबसे पहला बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड दिया गया, जिसे उस वक्त भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी के हाथों से संजीव कुमार को दिया गया। पुरस्कार लेने के लिए संजीव कुमार के साथ इनकी माँ और भाई भी गए थे। इतने बड़े पुरस्कार ने कई ऐसे लोगों की आंखें खोल दी जिन्होंने उस वक्त शांताबेन को जरी का काम करने के लिए कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि शांताबेन अपने समाज के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। लेकिन इतने बड़े सम्मान के आगे ये बातें अब छोटी नजर आ रही थी। अगले ही साल फिर 4 अप्रैल सन 1971 को सूरत जिला की तरफ से भी पाटीदार अवार्ड दिया गया संजीव कुमार को, और संजीव कुमार ने उस वक्त कहा था, ये अवार्ड मेरे लिए बड़ा मायने रखता है क्योंकि मेरे राज्य का अवार्ड है और ये मेरा नहीं, ये मेरी माँ शांताबेन का अवार्ड है, क्योंकि आज जो भी मैं हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। मेरे पिता के देहांत के बाद सिर्फ मेरी माँ ने गुजराती समुदाय की इच्छाओं के खिलाफ जाकर पिता का बिजनेस संभाला, हमारी परवरिश की। मेरी माँ हमेशा से मेरे लिए प्रेरणा है। और अब बात करते हैं संजीव कुमार के पहले प्यार की, और वो थी अभिनेत्री नूतन। नूतन बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा हुआ करती थी। 1950 में हमारी बेटी फिल्म से नूतन ने शुरुआत की थी और 1959 में अपने करियर को पीक पॉइंट पर ले जाकर उन्होंने आर्मी ऑफिसर कमांडर रजनीश बहल से शादी कर ली थी। जल्द ही उनके बेटा भी हो गया था जिसका नाम मोहनीश बहल है, जिन्हें हमने कई फिल्मों में देखा है। लेकिन कुछ सालों बाद ही परिस्थितियां बदलने लगी थी और अदालती लड़ाई के चक्कर में नूतन अपनी माँ और बहन से अलग हो गई थी और कमांडर पति के सख्त कानूनों से वो अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करने लगी थी। नूतन अपने आप को अकेला और कमजोर महसूस करती थी। जिंदगी की इसी उथल पुथल में नूतन की मुलाकात हो गई संजीव कुमार से। नूतन और संजीव कुमार फिल्म गौरी में नजर आए थे। साल था 1968। उसके बाद 1970 में देवी फिल्म में इन्होंने साथ काम किया था। हमारे यहाँ पहले मुंह मीठा करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ मुंह मीठा करने का दूसरा ही मतलब। नूतन जब भी संजीव कुमार से मिलती थी तो सोचती थी, ये कितने सम्मान से मिलते हैं, सबसे कितना मीठा बोलते हैं, और संजीव कुमार का ये शांत स्वभाव मेरे मन की अशांति में कितना ठंडक पहुंचाता है। नूतन मन ही मन संजीव कुमार को चाहने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे प्यार भरी बातों का सिलसिला प्यार में तब्दील होने लगा। मैंने एक लड़की पसंद कर ली। पर शादीशुदा नूतन से प्यार की डगर संजीव कुमार के लिए आसान नहीं थी। दोनों के रिश्तों की खबर आग की तरह फैलने भी लगी थी। एक शादीशुदा लड़की से संजीव कुमार का प्यार करना उनकी माँ को रास नहीं आ रहा था। संजीव कुमार से उन्होंने साफ साफ कह दिया, नूतन को भूलकर कोई और लड़की से शादी कर लो, लेकिन नूतन का नाम भी मत लेना। धीरे धीरे खबरें नूतन के पति तक भी पहुंच गई। रजनीश तक ये बात पहुंची तो उन्होंने नूतन पर और सख्ती करना शुरू कर दिया। नूतन अपने बेटे मोहनीश को लेकर बहुत भावुक थी। वो समझ चुकी थी कि संजीव कुमार से मेरा ये रिश्ता हमारी शादी को बर्बाद कर देगा और मेरे बेटे से भी मुझे दूर कर देगा। नूतन को परेशान देखकर संजीव कुमार ने उनका दुख हल्का करने के लिए एक गलती कर दी कि उन्होंने रजनीश को फोन लगा दिया, कह दिया कि ये सब बातें अफवाह हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। पर ये नॉर्मल सा कॉल नूतन के जीवन में एक सुसाइड कॉल बनकर आ गया।
नूतन के पति रजनीश ने नूतन से बहुत झगड़ा किया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि नूतन बहुत परेशान हो गई। तब नूतन ने अपने बेटे की खातिर संजीव कुमार से रिश्ता खत्म करने का फैसला ले लिया। नूतन को संजीव कुमार का फोन करना इतना गुस्सा दिला चुका था कि वो अपने आप पर काबू नहीं पा रही थी और एक दिन फिल्मस्थान स्टूडियो में जाकर बिना सोचे समझे संजीव कुमार को सभी के सामने जोरदार थप्पड़ मार दिया। नूतन ने मुझसे हुई जो मैंने तुमसे प्यार किया उस भूल को मिटाने का एक ही तरीका और वहीं कांच की चूड़ियां उनके दिल की तरह बिखर गई। संजीव कुमार के चेहरे पर नूतन की चूड़ियों के निशान दिल में दर्द बनकर उतर गए थे। ये पल इन दोनों के रिश्ते का अंत साबित हुआ। मुझे अफसोस है मैंने खामखा आपका दिल दुखाया। संजीव कुमार ने कभी भी इस किस्से का जिक्र नहीं किया और ना ही नूतन को कुछ कहा। इन दोनों के रिश्ते के साथ ही इनकी फिल्मी जोड़ी के रिश्ते भी टूट गए और आगे इनकी कोई भी फिल्म नहीं आई। लेकिन जीवन किसी के लिए भी कभी रुकता नहीं है। इस वाकया के बाद संजीव कुमार अपने दिल का दर्द भुलाकर अपने कामों में वापस जुट गए। अब बात करें गुलजार साहब की, तो संजीव कुमार की अभिनय की प्रतिभा से गुलजार कैसे अछूते रह सकते थे। संजीव कुमार को उन्होंने 1972 में आई फिल्म परिचय और कोशिश में साइन किया। हमेशा की तरह संजीव कुमार ने इन दोनों फिल्मों में दमदार अभिनय से चार चांद लगा दिए। संजीव कुमार के साथ हमेशा से खास बात रही थी कि उन्होंने कभी भी किसी भी चरित्र के लिए मना नहीं किया, कभी भी एक जैसी छवि नहीं बनाई। जवानी में चाहे बुजुर्ग का रोल निभाना हो या नायक का रोल हो या फिर खलनायक या फिर चाहे चरित्र अभिनेता की ही बात क्यों ना हो, हर रोल दमदार और सशक्त तरीके से निभाया संजीव कुमार ने। फिल्म कोशिश की बात करें तो संजीव कुमार ने एक गूंगे की भूमिका निभाई थी। बिना डायलॉग सिर्फ चेहरे और आंखों से दर्शकों को अपनी सारी फीलिंग समझा देना, ये सब संजीव कुमार जैसी प्रतिभा वाला एक्टर ही कर सकता है। संजीव कुमार को इस बेमिसाल एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। अब सुपरस्टार राजेश खन्ना और संजीव कुमार की बात करें तो ये दोनों आपस में कभी दोस्त नहीं बन सके। राजेश खन्ना की दीवानगी सर चढ़कर बोलती थी और वहीं संजीव कुमार की एक्टिंग लोगों को हिलाकर रख देती थी। पर दोनों ही हीरो कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन सके। यहाँ तक कि दोनों अपने पूरी लाइफ में एक दूसरे के घर भी नहीं गए थे। झगड़े की वजह सिर्फ एक थी, वो थी अंजू महेंद्रू। बात ऐसी थी कि अंजू महेंद्रू की माँ शांति महेंद्रू संजीव कुमार को राखी बांधा करती थी और वहीं संजीव कुमार रिश्ता निभाते चाहे कितने भी बिजी हो, राखी के दिन शांति महेंद्रू के घर जाते और राखी जरूर बंधवाते। और अंजू महेंद्रू संजीव कुमार को खास मामा मानती थी। और ये सब जानते हैं कि राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू उस वक्त एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन संजीव कुमार को इन दोनों का ये मेल जोल पसंद नहीं आता था। और राजेश खन्ना भी बड़े शक के मिजाज थे जो कि अंजू और संजीव पर ही शक किया करते थे। तुम्हारे मन में शक का जहर भरा हुआ है। और यही वजह थी कि संजीव कुमार और राजेश खन्ना एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। और दूसरी तरफ राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू के बीच में भी खटास आ गई थी और 1973 में डिंपल कपाड़िया से राजेश खन्ना की शादी हो गई थी, लेकिन फिर भी अंजू की तरफ उनका झुकाव था। ये बात भी संजीव कुमार को पसंद नहीं आती थी कि शादीशुदा राजेश खन्ना क्यों अंजू महेंद्रू से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी नफरत के बाद भी दोनों ने कुछ फिल्में की थी। एक फिल्म का नाम है आपकी कसम जो कि 1974 में आई थी। एक सीन में राजेश खन्ना को संजीव कुमार को थप्पड़ मारना था। राजेश खन्ना ने संजीव कुमार को असली में इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि संजीव कुमार हिल गए, लेकिन संजीव कुमार ने इस बात को तूल नहीं दिया, उन्होंने जाने दिया क्योंकि इस वजह से फिल्म की शूटिंग बीच में ही रुक सकती थी। तो ऐसे बड़े दिल वाले थे संजीव कुमार। आज तुम होश में नहीं हो कमल, तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। अब बात करते हैं संजीव कुमार के दूसरे प्यार की। कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली, सीता और गीता से शुरू हुआ। इस फिल्म में अभिनेता थे संजीव कुमार और अभिनेत्री हेमा मालिनी। तुम क्या हो ये तुम्हें नहीं जानता, लेकिन जानना जरूर जानना हो। इसलिए तो इस फिल्म में एक गाना था ओ साथी चल,
संजीव कुमार और हेमा मालिनी दोनों स्केटिंग करते हुए गाना शूट कर रहे थे। उस वक्त ये दोनों ही स्केटिंग में नए थे, दोनों काफी बार गिरे और चोटें भी आई। वहीं से एक दूसरे की परवाह करना शुरू किया हेमा मालिनी और संजीव कुमार ने। दोनों धीरे धीरे करीब आ गए। संजीव कुमार हेमा मालिनी से अब शादी करने की इच्छा रखने लगे, पर शांताबेन एक अभिनेत्री को अपनी बहू बनाने के बिल्कुल विरुद्ध थी। लेकिन हेमा मालिनी के हंसमुख और मीठे स्वभाव ने जल्दी ही शांताबेन का दिल जीत लिया। हेमा मालिनी जब भी शांताबेन से मिलती तो सर पर पल्लू रखा करती थी और पांव छूती। वो जल्द ही जरीवाला परिवार में घुल मिल सी गई। लेकिन संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को एक बात नहीं बताई जो कि बाद में बड़ा कारण बनी। वो बात थी, हेमा मालिनी को शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करना है। ये शांताबेन की शर्त थी। शांताबेन और संजीव कुमार मद्रास हेमा मालिनी के घर रिश्ता लेकर गए। हेमा जी की माँ ने भी बड़ा अच्छे से स्वागत किया, पर बात यहाँ आकर अटक गई कि हेमा शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी। ये बात मानने के लिए हेमा जी की माँ ने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि हेमा जी का करियर उस वक्त पीक पॉइंट पर था। अब संजीव कुमार को लगता था कि हेमा शायद माँ को मना लेगी, वहीं हेमा को लगता था कि संजीव कुमार शादी के बाद फिल्मों में काम करने के लिए हाँ कह देंगे, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बात बिगड़ चुकी थी। वहीं राजेश खन्ना को जब इन दोनों के मतभेद की खबर लगी तो उन्होंने भी आग में घी का काम किया। उन दिनों हॉलीवुड की एक फिल्म का प्रीमियर शो रखा गया था। राजेश खन्ना को इनवाइट किया गया और कहा गया, आप शर्मिला टैगोर को जरूर साथ लाइएगा, क्योंकि उन दिनों ये दोनों साथ शूटिंग कर रहे थे। वहीं प्रीमियर में संजीव कुमार को भी बुलावा दिया गया। संजीव कुमार वहां पहुंचे और अपनी सीट पर बैठ गए, तभी देखा कि लोगों की एकदम चहल पहल शुरू हुई और राजेश खन्ना की एंट्री हुई, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था हेमा मालिनी का। संजीव कुमार ये देखकर शॉक्ड रह गए। हेमा मालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि राजेश खन्ना ने हेमा जी को चलने के लिए कहा था तो सिर्फ वो आ गई, पर उन्हें ये नहीं पता था कि संजीव कुमार यहाँ आए हुए हैं, और ना ही उन्हें ये पता था कि राजेश खन्ना और संजीव कुमार के बीच आपसी रंजिश है। हेमा मालिनी और संजीव का रिश्ता तो देखिए वैसे ही अंतिम छोर पर बंधा हुआ था, लेकिन इस वाकये के बाद अंतिम छोर भी टूट गया। संजीव कुमार अपना टूटा सा दिल लेकर बेइज्जती को फील करते हुए घर वापस आ गए। हेमा जी अनजाने में हुई इस गलती से बड़ी परेशान थी। उन्होंने संजीव कुमार से फोन पर बात करने की कोशिश की, पर कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद वो सीधा संजीव कुमार के घर गईं, बातें संजीव कुमार को समझाने की कोशिश की, लेकिन संजीव कुमार ने एक ही बात की कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, पर क्या तुम शादी के बाद फिल्मों में काम करना बंद नहीं करोगी? इस पर हेमा जी ने कहा, वो ऐसा फैसला लेने को तैयार नहीं है। तब संजीव कुमार ने दिल तोड़ने वाला बयान दे दिया। उन्होंने कहा, हेमा आज से हम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मगर तुमने मुझे धोखा दिया। अरे मेरी बात। हेमा जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ही पल में उन दोनों के रिश्ते का अंत हो गया। अगले ही दिन फिर शूटिंग पर चले गए। हर सीन बखूबी तरीके से निभाया, पर जैसे ही सीन पूरा होता तो ऐसा लगता संजीव कुमार आंखों से नहीं बल्कि दिल से रो रहे हैं। अनामिका फिल्म में जया भादुड़ी उनके साथ शूटिंग कर रही थी। जया ने लंच के दौरान जब संजीव से पूछा तो उन्होंने अपना दर्द बयान कर दिया। तब जया ने पूछ लिया, संजीव तुम इतना परेशान होकर भी शूटिंग कैसे कर सकते हो? तब संजीव कुमार ने कहा, मैं एक अभिनेता हूँ और मेरा पहला फर्ज है कि मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को भूलकर अपने काम के साथ न्याय करूं। संजीव कुमार ने इस बात का जिक्र कभी भी मीडिया से नहीं किया, और वहीं हेमा जी भी इन बातों से दूर रहीं। पर एक इंटरव्यू ऐसा था जिसमें हेमा जी ने कहा था कि संजीव कुमार को एक ऐसी घरेलू महिला चाहिए थी जो उनकी बूढ़ी माँ की सेवा कर सके और घर में ही रहे। लेकिन जब कोई भी महिला सफलता के ऊंचे पायदान पर हो तो उसके लिए ऐसा फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है, और ये बात महिलाओं को पीछे की तरफ भी धकेलती है। संजीव कुमार अब दो बार प्यार में चोट खा चुके थे। प्यार में नाकामयाब होना दिल को पूरी तरह से झकझोर चुका था। फिर 1975 में एक फिल्म आई थी उलझन, जिसमें एक्ट्रेस थी सुलक्षणा पंडित। वो संजीव कुमार की लाइफ में आई। उन्हें संजीव कुमार का शांत स्वभाव बहुत अच्छा लगता था और वो संजीव कुमार से मन ही मन प्यार भी करने लगी थी। वक्त की दीवार में काम करते हुए उन्होंने फैसला कर लिया था कि संजीव कुमार से ही शादी करेंगी। एक दिन सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार को ले गई मंदिर और कहने लगी, संजीव तुम मेरी मांग में सिंदूर भर दो। तब संजीव कुमार ने कहा, मैं हेमा को चाहता हूँ और किसी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। अगर उससे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं शादी ही नहीं करूँगा।
लेकिन यहाँ गौरतलब बात यह भी है कि सुलक्षणा पंडित का प्यार भी संजीव कुमार के प्रति उतना ही गहरा था। वो भी ताउम्र संजीव को अपने दिल से दूर नहीं कर पाई और ना ही किसी और को अपने दिल में बसा पाई। संजीव कुमार का फिल्मी सफर कामयाबी के साथ अपनी रफ्तार पकड़े हुए चलता रहा। सीता गीता सुपरहिट रही, साथ ही अनामिका और मंचली ने भी बहुत कमाल की ओपनिंग की। साल 1974 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था नया दिन नई रात। एमपी अली इस फिल्म के निर्माता थे। उनकी पहली पसंद थी दिलीप कुमार और इस फिल्म में एक ही एक्टर को 9 भूमिकाएं निभानी थी, पर दिलीप कुमार पहले ही फिल्मों में डबल रोल ट्रिपल रोल निभा चुके थे, इसीलिए उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया और नाम सुझा दिया संजीव कुमार का। जया भादुड़ी इस फिल्म में संजीव कुमार के साथ नजर आई। 1.5 साल इस फिल्म की शूटिंग हुई और इसके बाद ये फिल्म रिलीज हुई। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई जिसमें दिलीप कुमार को बुलाया गया। जब दिलीप कुमार ने फिल्म देखी तो वो संजीव कुमार की एक्टिंग को देखकर दंग रह गए। अब संजीव कुमार के दिल की बात करें तो संजीव कुमार का दिल सबको बहुत चाहता था, लेकिन खुद उनका दिल उनसे कम प्यार करता था। दिल की बीमारी उनके खानदान की खानदानी बीमारी थी। संजीव कुमार को भी उस बीमारी ने घेर रखा था। संजीव कुमार के परिवार में कोई भी आदमी जिंदगी के 50 साल नहीं देख पाता था। शांता बेन को भी ये डर था कि कहीं संजीव भी 50 साल से पहले इस दुनिया से ना चले जाएं। इसीलिए दिल की बीमारी का घरेलू दवाओं से ध्यान रखा जाता था, लेकिन संजीव कुमार इस बात को लेकर कभी भी सीरियस नहीं होते थे। सिगरेट और शराब हमेशा दिल के लिए बुरे होते हैं, पर संजीव कुमार को इनसे लगाव था। वो इन्हें कभी भी कम नहीं कर पाए। सन 1975 वो साल था जब संजीव कुमार को पहला हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक के बाद नानावती हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे संजीव कुमार, पर किसी को भी उन्होंने बताया नहीं था। पर ऐसी बातें ज्यादा दिन कहाँ छुपती हैं। उनसे अस्पताल में मिलने के लिए लोगों का तांता लग गया। उनके फैंस ने उनकी जल्दी ही सही होने की दुआएं मांगना शुरू किया। कुछ ही दिनों में संजीव कुमार सबके प्यार के कारण लौट आए और काम करना फिर से शुरू कर दिया। लेकिन जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं किया संजीव कुमार ने। वो पहले की तरह लगातार काम करते रहे और तमाम समझाइश के बाद भी सिगरेट और शराब से दूर नहीं रह पाए। 6 अक्टूबर सन 1976 वो तारीख थी जब फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए कनाडा जाना था संजीव कुमार को बीआर चोपड़ा के साथ। कनाडा के लिए रवाना तो हुए संजीव कुमार, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें चेतावनी दे दी थी कि ज्यादा लंबी उड़ान उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है, और हुआ भी ऐसा ही। संजीव कुमार की तबीयत खराब हो गई, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं था बल्कि हार्ट अटैक की सिर्फ चेतावनी मात्र था। लेकिन संजीव कुमार ने पहले की तरह कोई ध्यान नहीं दिया और इन्हीं दिनों फिर गुलजार के डायरेक्शन में बनी फिल्म आंधी और मौसम, ये दोनों ही फिल्में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। संजीव कुमार को आंधी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद 1976 की फिल्म अर्जुन पंडित ने भी संजीव कुमार को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा। 1975 में फिल्म आई थी शोले, जिसको कोई भी नहीं भूल सकता। इस फिल्म में संजीव कुमार ने ठाकुर की ऐसी भूमिका पेश की कि उनकी छवि दिलों पर हमेशा के लिए बस गई। यहाँ गौरतलब बात ये भी है कि त्रिशूल और शोले इन फिल्मों में हेमा मालिनी इनके साथ थी, पर संजीव कुमार ने निर्माता निर्देशक से ये शर्त रखी थी, मेरा एक भी सीन हेमा के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों ही अलग अलग होटल में रुकते थे, और उस वाकये के बाद हेमा मालिनी और संजीव कुमार ने कभी बात भी नहीं की थी। इधर सत्यजीत रे ने जब मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी, इस फिल्म में एक्टर के तौर पर उनके जहन में थे संजीव कुमार। जब संजीव कुमार को फिल्म का ये ऑफर मिला तो उन्होंने पहला काम किया सत्यजीत रे की सारी फिल्में देख डाली। संजीव कुमार चाहते थे कि सत्यजीत रे जो उनसे चाहते हैं उनका वो 100% उन्हें एक्टिंग के तौर पर दिखा सके। ऐसा समर्पण था संजीव कुमार के अभिनय में। अब साल आया सन 1978। अमेरिका में होने वाले स्टेज शो में भाग लेने के लिए संजीव कुमार यूएसए पहुंचे। संजीव कुमार का मन था कि वो अपनी बहन गायत्री से भी मिल लेंगे। उनकी बहन को दूसरा बेबी होने वाला था। 12 जून वो तारीख थी जब उनकी बहन ने एक बेटी को जन्म दिया। संजीव कुमार बहुत खुश हुए और उस
छोटे से बच्चे के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए निकल पड़े, लेकिन थोड़ी दूर जाकर बेहोश होकर गिर गए। संजीव कुमार का ये दूसरा हार्ट अटैक था। तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर संजीव कुमार को हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी बहन बड़ी हैरान थी कि संजीव अब तक उनसे मिलने नहीं आए हैं। जब गायत्री ने जमुना दास को फोन लगाया तो जमुना दास ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो इंडिया में हूँ। लेकिन जमुना दास को गायत्री के पति अशोक ने सब बता दिया कि संजीव कुमार को हार्ट अटैक आया है। ये बात सुनते ही पूरा जरीवाला परिवार सदमे में आ गया। संजीव कुमार के भतीजे पृथ्वी की ये पहली बर्थडे पार्टी भी थी, वो भी कैंसिल हो गई। वहीं जब गायत्री को अपने भाई का पता चला तो वो भी हॉस्पिटल पहुंच गई और अपने भाई का ध्यान रखने लगी। अब संजीव कुमार की जीवन शैली पर पहले से ज्यादा पाबंदियां लगा दी गईं। एक दिन संजीव कुमार की बहन गायत्री के पति अशोक संजीव कुमार से मिलने पहुंचे हॉस्पिटल। संजीव कुमार का पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। संजीव की ये लापरवाही देखकर बड़े हैरान थे अशोक। जब उन्होंने मालूम किया कि संजीव को सिगरेट कैसे पहुंची, तब नर्स ने कहा, ये मैंने पहुंचाई है, क्योंकि वो संजीव कुमार की बहुत बड़ी फैन थी और संजीव कुमार ने जब उनसे कहा था तो वो उन्हें मना नहीं कर पाई। 15 दिन संजीव कुमार अमेरिका में रहे। उन्हें कहा गया कि आप तेल कम खाइए और नमक भी कम खाइए, पर संजीव कुमार तो मस्त मौला थे, वो नॉनवेज खाना बहुत पसंद करते थे। लेकिन उन्होंने अपनी माँ के सामने ना ही नॉनवेज खाया और ना ही ड्रिंक की। संजीव कुमार अपने पूरे परिवार को इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपने भाई निकुल और गायत्री की शादी बड़े धूमधाम से की थी और वहीं निकुल को फिल्म प्रोड्यूसर एंड फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाया। जब दूसरे भाई किशोर ने शादी के लिए हाँ किया था, तब 1982 में संजीव कुमार ने उन्हें एक फ्लैट भी गिफ्ट किया था। 6 नवंबर सन 1980 का वो दिन था, दोपहर का टाइम था। निकुल ने देखा कि शांताबेन बेहोश होकर गिर चुकी हैं। वो घबराए और उन्होंने शांताबेन को नानावती हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। संजीव कुमार टक्कर फिल्म की शूटिंग करने के लिए हैदराबाद गए हुए थे। जाने से पहले उन्होंने अपने माँ के पांव भी छुए थे और रोज फोन करने का वादा भी किया था, पर ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उनकी माँ से ये आखिरी मुलाकात है। शांताबेन उस दिन दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। संजीव कुमार के दिल की हालत को देखते हुए जमुना दास ने खबर पहुंचाई कि शांताबेन बीमार है, संजीव तुम जल्दी आ जाओ। बेचैनी में संजीव कुमार जल्द से जल्द बॉम्बे पहुंच गए। जब उन्हें इस सच का पता चला कि माँ इस दुनिया में नहीं रही, तो बुरी तरह टूट गए और इस तरह रोने लगे जैसे कि कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से बिछड़कर रोता है। ये उनके लिए सबसे बड़ा सदमा था और इस तारीख को फिर संजीव कुमार ने अपने जीवन का काला दिन घोषित कर दिया। 6 नवंबर वो तारीख थी। इस तारीख को हमेशा मैं घर ही रहूंगा, कोई भी काम नहीं करूंगा, ये संजीव कुमार ने फिक्स कर दिया। कई दिनों तक तो संजीव कुमार ने खाने को हाथ भी नहीं लगाया। जब परिवार वालों ने समझाया तो फिर संजीव कुमार बाहरी तौर पर थोड़ा सा नॉर्मल हुए, मन के दर्द का सैलाब छुपाकर अपने काम में लग गए। फिर 1981 में इन्होंने फिल्मों में काम किया, सिलसिला, दासी, चेहरे पे चेहरा और 1982 में अंगूर, नमकीन, ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें इनके अभिनय को एक मकाम मिला। गुलजार और संजीव कुमार की जोड़ी बड़ी कमाल की रही, दोनों ने मिलकर 9 फिल्मों में साथ काम किया था। संजीव कुमार की एक्टिंग का कोई सानी नहीं था। फिर साल आया सन 1984, संजीव कुमार को एक बार फिर दुखी कर गया। इनके भाई निकुल को हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी की सलाह दी तो संजीव कुमार ने कहा कि मैं निकुल का इलाज अमेरिका में करवाना चाहूंगा। कुछ तो करना ही होगा डॉक्टर साहब, मैं कोई कमी नहीं रखना चाहता। अमेरिका ले जाने की तैयारियां शुरू हुई, पर अचानक से दूसरा हार्ट अटैक आ गया। निकुल इस दुनिया को अलविदा कह गए। उस वक्त संजीव कुमार शूटिंग पर गए हुए थे। माँ के बाद अपने भाई को इस तरह खो देना किसी भी इंसान के लिए बहुत दिल दहला देने वाला होता है। नहीं मुन्ना, नहीं। संजीव कुमार गम के इन बादलों में खो से गए, पर अपने भाई के तीनों बच्चों का ख्याल आया और जिम्मेदारी उठाने लगे। संजीव कुमार ने खुद को फिर से एक बार खड़ा कर दिया और 1 महीने बाद ही फिर इन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू की। प्रोफेसर की पड़ोसन इस फिल्म की शूटिंग थी, लेकिन उस वक्त संजीव कुमार की तबीयत थोड़ी खराब हुई। जमुना दास ने कहा, आप फिल्म की शूटिंग कैंसिल कर दें और थोड़ा ठीक होते ही शूट पर चले जाना। लेकिन उसी रात संजीव कुमार के सीने में दर्द उठने लगा। जैसे तैसे रात भर निकाली और सुबह होते ही बिना किसी को बताए सीधा नानावती अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर्स ने चेक करते ही कहा कि आपकी बाईपास सर्जरी करनी होगी। घर वाले दो सदमे झेल चुके थे, इसलिए अमेरिका में सर्जरी करवाने पर जोर दिया गया।
अमेरिका जाने से पहले सभी फिल्म निर्माता निर्देशकों से उनके प्रोजेक्ट्स पर बात की संजीव कुमार ने और कहा कि मैं जल्द ही ठीक होऊंगा और आपके प्रोजेक्ट्स को पूरा करूंगा। फरवरी सन 1985 संजीव कुमार सर्जरी के लिए अमेरिका चले गए। वहां पर संजीव कुमार की सर्जरी हुई। ठीक होकर गायत्री के घर रहने लगे संजीव कुमार और उसके बाद बॉम्बे आ गए। संजीव कुमार की सही सलामत लौटने की खुशी में आर के नायर ने वेलकम पार्टी रखी। उस पार्टी में बहुत से लोग आए और सब संजीव कुमार को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन सबने नोट किया कि संजीव कुमार पहले से थोड़ा कमजोर नजर आ रहे हैं। संजीव ने अपनी अंडर प्रोडक्शन फिल्मों को पूरा करने की बात कह दी और जल्द ही सबकी शूटिंग भी शुरू कर दी। आर के नायर की फिल्म थी कत्ल, जो कि 1986 में आई, और नितिन मनमोहन की फिल्म थी बात बन जाए। पर फिल्म की शूटिंग्स के दौरान संजीव कुमार अब पहले जैसे नहीं थे। संजीव की तबीयत अक्सर खराब हो जाया करती थी। किसी सीन में वो बैठ जाते थे तो जल्दी से उठना बड़ा मुश्किल होता था। फिल्म कांच की दीवार की शूटिंग चल रही थी। क्लाइमैक्स सीन में कमजोरी के चलते संजीव कुमार ने बैलेंस खो दिया और बुरी तरह से गिर गए, घुटनों में चोट आ गई। बाद में रीशूट हुआ और संजीव कुमार को नी पैड पहनाकर ये सीन पूरा किया गया। गौरतलब ये भी है कि सर्जरी के बाद कई महीनों तक संजीव कुमार किसी पार्टी में भी नहीं गए, घर पर ही बना खाना खाया करते थे। एक दिन ऐसा आया जब खुद को शराब पीने से नहीं रोक पाए। जमुना दास ने ये देखा तो मना करने की कोशिश की। इस बात को लेकर जमुना दास और संजीव कुमार में बहस हो गई। संजीव कुमार ने गुस्से में आकर जमुना दास को बुरी तरह डांट दिया। जमुना दास अपने भारी मन को लेकर संजीव कुमार को छोड़कर चल दिए। संजीव गम को भुलाने के लिए अपने दोस्त के पास गए, पर जमुना दास के बिना वो खुद को अपंग सा महसूस करने लगे थे। फिर एक दिन संजीव कुमार ने अपने एक दोस्त को कहकर मैगजीन में छपवा दिया कि जमुना दास अब मेरे सेक्रेटरी नहीं है। ये जमुना दास को वापस बुलाने का स्टंट था संजीव कुमार का। हुआ भी वैसा ही। संजीव कुमार के दोस्तों को ये पता चला तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने जमुना दास से मुलाकात की और जमुना दास और संजीव कुमार को वापस मिलवाया। बिना बातचीत के ही दोनों ही दोस्त एक दूसरे को देखकर रोने लगे। 15 दिन से दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन ऐसा लगा कि कई सालों से मिल रहे हैं। एक दूसरे से माफी मांगते हुए दोनों गले लग गए। वहां उन दोनों के इस भरत मिलाप को देखने वाले भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक सके। संजीव कुमार अब खोए खोए से रहते थे। फिल्मों की डबिंग और शूटिंग भी जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें जल्द ही कहीं जाना है। एक दिन अपनी बहन गायत्री से उन्होंने कई दिनों बाद बहुत लंबी फोन पर बातचीत की और बातों बातों में ये समझा रहे थे कि जीवन में हमेशा खुद को तैयार रखो, कभी भी आप पर जिम्मेदारी आ सकती है, उसको निभाने के लिए आप में हिम्मत हमेशा होनी चाहिए। दूसरी तरफ संजीव ने निकुल के बच्चों की जिम्मेदारी भी ले रखी थी। उनको अच्छी एजुकेशन के साथ एक अच्छा इंसान बनाने की चाहत थी संजीव कुमार की, पर कुछ ऐसा था जिसे सिर्फ संजीव कुमार का मन ही समझ सकता था, मानो किसी अनजाने सफर की तैयारी में हो। 5 नवंबर की तारीख थी। संजीव कुमार पूरे दिन डबिंग में बिजी रहे और उसके बाद प्रकाश मेहरा से उन्होंने इंसान की औलाद फिल्म के बारे में कुछ बातें भी की। और उस दिन खास बात ये भी थी कि डबिंग में संजीव कुमार की आखिरी लाइन थी, कब्र के सिराहने कभी घास नहीं उगा करती बरखुरदार। फिर आई अगली तारीख 6 नवंबर। जिंदगी का काला दिन घोषित कर चुके थे संजीव कुमार। इस दिन घर से कहीं बाहर नहीं जाना था। सुबह चाय तो पी, लेकिन संजीव कुमार ने नाश्ते के लिए मना कर दिया था और अपनी माँ को याद करते हुए कुछ खोए खोए रहने लगे। जमुना दास भी उनके साथ ही थे। लगभग 12:30 बजे का टाइम था। उस वक्त संजीव कुमार को अचानक उल्टी होना शुरू हुआ। वॉमिट देखकर जमुना दास घबरा गए। तब संजीव ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी सचिन मिलने आने वाले हैं, मैं नहाकर तैयार हो जाता हूँ। पर जमुना दास का मन कहाँ मानने वाला था, वो डॉक्टर को लेने चल दिए। डॉक्टर को लेकर पहुंचे तब तक सचिन भी वहां आ चुके थे। तीनों वहां बैठकर संजीव कुमार के नहाकर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 15-20 मिनट तक जब संजीव कुमार नहीं आए तो जमुना दास खुद बाथरूम की तरफ चल पड़े। लेकिन वहां जाते ही जमुना दास बुरी तरह से घबरा गए और चीख पड़े। उन्होंने वो सब देखा जिसकी कल्पना कभी वो कर भी नहीं सकते थे। सोफे के पास संजीव फर्श पर गिरे हुए थे। डॉक्टर ने उन्हें तुरंत चेक किया और सिर्फ यही कहा कि अब संजीव इस दुनिया में नहीं है, He is no more। डॉक्टर के हिसाब से वो नहाने के लिए सोफे से बाथरूम की तरफ जा रहे थे, तभी उनको हार्ट अटैक आया और वो हार्ट अटैक इतना जबरदस्त था कि संजीव कुमार को हमेशा के लिए हमसे दूर ले गया।
अब ये भी संयोग की ही बात थी कि 6 नवंबर को ही इनकी माँ का देहांत हुआ था और 6 नवंबर सन 1985 जिस तारीख को संजीव कुमार अपनी माँ के जाने के कारण काला दिन कहते थे, वही तारीख संजीव कुमार के जीवन की भी आखिरी तारीख बनी। खबर सब तक पहुंची तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि महज 47 साल की उम्र में संजीव कुमार जैसा महान अभिनेता हम सबको क्यों छोड़कर चला गया है। पूरी बंबई फिल्म इंडस्ट्री में एकदम ठहराव आ गया। हर कोई एक दूसरे को फोन करके दुख भरी खबर सुना रहा था। उस दिन सभी ने अपनी शूटिंग्स, डबिंग और रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी। संजीव कुमार के परिवार के हर शख्स का रो रो कर बुरा हाल था। दूसरी तरफ बहन गायत्री को अमेरिका में खबर कर दी गई, लेकिन अमेरिका से आने में वक्त लगता है, इसीलिए संजीव कुमार के शव को कांच के ताबूत में रख दिया गया और एक के बाद एक फिल्म इंडस्ट्री के लोग वहां जमा होते गए। संजीव कुमार के दोस्त अमजद खान मस्कट एक शूटिंग पर गए हुए थे। जब उन्हें मालूम चला तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि आप तुरंत मेरे दोस्त के घर जाइए, और ऐसा बोलते बोलते अमजद फोन पर ही रोने लगे थे। वहीं एके हंगल को जब पता चला तो वो खुद को संभाल नहीं पाए, आंसुओं के सैलाब में डूब गए और बोले, हरी तुम इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकते। गायत्री के अमेरिका से आने में समय लग रहा था, इसीलिए संजीव कुमार का अंतिम संस्कार 8 नवंबर को होना तय हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा संजीव कुमार के खास दोस्त थे। वो लगातार 2 दिन तक उनके ताबूत के पास गार्ड बनकर बैठे रहे। शत्रुघ्न उनकी दोस्ती को एक पल भी नहीं भूले थे। एक वक्त था जब शत्रुघ्न और उनकी पत्नी पूनम के बीच अनबन हुई थी, तब इनके रिश्ते को टूटने से बचाया था संजीव कुमार ने, और तब से पूनम संजीव को अपना भाई मानती थी। संजीव कुमार के दोस्तों ने कहा उनकी मौत की जिम्मेदारी उनका आराम न करना था। बाईपास सर्जरी के बाद भी वो लगातार काम करते रहे। एक दोस्त ने कहा कि अगर मैं संजीव कुमार से उनकी आखिरी इच्छा पूछता था तो वो यही कहते थे कि मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि उनको निकुल के 3 बच्चों की जिम्मेदारी उठानी है और इसे वो बखूबी निभा भी रहे थे। वहीं निर्देशक कांत कुमार संजीव कुमार को श्रद्धांजलि देने गए तो एकाएक उन्हें संजीव कुमार के साथ के आखिरी मुलाकात के शब्द याद आ गए। संजीव ने कहा था, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जल्द से जल्द फिल्में पूरी कर लें, मुझे फिर लंबी छुट्टियों पर जाना है। अमिताभ बच्चन ने भी कहा था कि एक महान अभिनेता, मेरा एक अच्छा दोस्त संजीव कुमार हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री आज अपने आप में एक खोखलापन महसूस कर रही है। जया बच्चन संजीव कुमार को अपना भाई मानती थी, क्योंकि जिंदगी के एक मोड़ पर अमिताभ और जया के बीच जब रिश्तों में दरार आई तब संजीव ने ही मरहम का काम किया था। वहीं दिलीप कुमार ने कहा कि वो महान अभिनेता के साथ एक व्यक्ति भी बड़े अच्छे थे, उन्होंने सफलता को कभी भी अपने आप पर हावी नहीं होने दिया। और फिर गायत्री अमेरिका से आ गई। संजीव कुमार को आखिरी यात्रा पर ले जाने की तैयारी होने लगी। इस यात्रा में संजीव कुमार के भाई किशोर और मामा के अलावा सुनील दत्त और अमिताभ बच्चन ने संजीव के शव को उठाने की बात कही। घर के बाहर हजारों लोगों का जमावड़ा लग चुका था। फूलों से सजे ट्रक में संजीव का पार्थिव शरीर ले जाया गया। हजारों हजार लोगों का हुजूम बस एक ही बात का नारा लगा रहा था, संजीव कुमार हमेशा अमर रहे। जब आखिरी स्थल तक पहुंचे तो वहां पर हजारों की भीड़ थी। सबने अपने इस हीरो की आखिरी झलक पाने के लिए घंटों इंतजार किया था। संजीव कुमार का अंतिम संस्कार किया उनके भतीजे ने। जब संजीव का अंतिम संस्कार हो रहा था तब उनके भाई किशोर ने अपने दोस्तों से कहा, ये 3 जगह देख रहे हो, बाईं तरफ तो भाई निकुल का दाह संस्कार किया गया था और दाईं तरफ मेरे बड़े भाई हरि का। अब जो बीच की खाली जगह है ना, वहां मेरा अंतिम संस्कार होना है। उस वक्त किसी को इस बात का एहसास भी नहीं था कि किशोर की ये बात सच हो जाएगी। इस घटना के 6 महीने बाद ही किशोर भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। साथ ही संजीव कुमार के इस डर को भी सच कर दिखाया कि उनके परिवार में 50 साल से ज्यादा कोई भी पुरुष जिंदा नहीं रहता। संजीव कुमार की मृत्यु के 8 दिन बाद उनके अकाउंटेंट ने जरीवाला परिवार को बताया कि संजीव ने अपनी मौत से पहले वसीयत बनवा ली थी। संजीव कुमार ने कहा था कि मेरी वसीयत शत्रुघ्न सिन्हा, जमुना दास, तरला जोशी और उनके परिवार के सामने एक साथ पढ़ी जाए, जिसमें उनकी संपत्ति निकुल के 3 बच्चों और पत्नी को सौंप दी गई। 10% भाग भांजी को दिया गया और साथ ही किशोर के लिए भी उन्होंने हिस्सा छोड़ा था। वहीं अपने सबसे करीबी जमुना दास के बेटे दीपक की पढ़ाई के लिए 2 लाख रुपए अलग से रखे थे संजीव कुमार ने। बहन गायत्री को तो जब अमेरिका गए थे तभी वो कुछ दे आए थे, इसलिए
उस वसीयत में गायत्री का जिक्र नहीं हुआ। संजीव कुमार बहुत ही सीधे और सरल इंसान थे, लेकिन उनकी सादगी को भी कई लोगों ने गलत तरीके से पेश किया। कई लोग संजीव कुमार के लिए कहते थे कि वो बड़े कंजूस थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो इंसान दूसरों के लिए इतना सोच सकता है, वो कंजूस भला कैसे हो सकता है। संजीव कुमार ने जरूरतमंदों की हमेशा मदद की, बजट ना होने पर निर्देशक से कम पैसे लेकर भी काम किया। यहाँ तक कि बहुत से लोगों को पैसे उधार दिए, जिसमें कई अभिनेत्रियों से लेकर निर्देशकों के नाम भी शामिल हैं। संजीव कुमार का पसंदीदा पहनावा था कुर्ता पजामा और साधारण सी चप्पल। एक दिन जब वो शूटिंग के लिए सब कुछ पहनकर निकल रहे थे, तब जमुना दास का उनके कुर्ते पर ध्यान गया। उनका कुर्ता प्रेस के कारण जला हुआ था, एक गहरा निशान पड़ा हुआ था। तब जमुना दास ने कहा कि संजीव कुर्ता बदल लीजिए। तब संजीव कुमार ने कहा कि डायरेक्टर वहाँ लाखों रुपए सेट पर लगाकर मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे तो जल्दी पहुँचना है और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे कपड़ों को देखकर क्या सोचेंगे। अगर कोई कपड़ों को लेकर वास्तव में कुछ सोचता है, तो मेरा उस इंसान से यही सवाल रहेगा कि दुनिया में जब वो खुद आया था तो क्या पहनकर आया था। इंसान की काबिलियत कपड़ों से नहीं, उसके काम से पहचानी जानी चाहिए। ऐसी सादगी थी संजीव कुमार के विचारों में। अब बात इनके घर की करें तो संजीव कुमार मुंबई में अपना खुद का घर कभी नहीं बना पाए। सब तरफ से ये कहा जाता है कि पैसों की कमी या फिर पसंद की कमी होने से ऐसा चलता रहा, पर सच बात तो यह है कि सफल होने के बाद पैसे की कमी संजीव कुमार के पास कभी नहीं रही। पर उनके दिल के बोझ ने उन्हें कभी घर बनाने की तरफ ध्यान नहीं देने दिया। बचपन परेशानियों से गुजरा, दो बार प्यार में दिल टूटा, फिर माँ, फिर भाई, दो दो हार्ट अटैक और 50 साल से ज्यादा जब वो खुद नहीं जी पाएंगे, इस बात का डर उन्हें नासूर बनकर सताता था, इसीलिए घर कभी नहीं बनाया। संजीव कुमार ने अपनी संपत्ति तो घर वालों के नाम कर ही दी थी, लेकिन इसके अलावा भी वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बहुत सारे पैसे मांगते थे। कई लोगों को उन्होंने उधार दे रखा था। ये लो, शुक्रिया जुगराज। जमुना दास ने अपनी डायरी खोलकर बताया था कि संजीव कुमार ने 94,36,000 रुपए लोगों को उधार दे रखे हैं, वो भी बिना ब्याज के। इस राशि का हम ब्याज जोड़ें तो आज के हिसाब से 90 से 100 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएंगे। जब मैं हिसाब लगाने बैठता हूँ तो खुद मुझसे भूल हो जाती है। संजीव कुमार के परिवार ने ये पैसे लेने की कोशिश तो की, पर कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। फिर सुनील दत्त को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन जब किसी की ना देने की नियत हो जाती है तब कोई कर ही क्या सकता है। मुंह छुपाने की क्या जरूरत है। जरीवाला परिवार के पास आज भी वो डायरी सुरक्षित है जिसमें लोगों को उधार दिया गया पैसा लिखा हुआ है। वहीं जब बोनी कपूर एक फिल्म बना रहे थे हम पांच, तब उन्हें 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, और जब संजीव कुमार को ये बात पता चली तो उन्होंने 2 लाख रुपए बिना किसी शर्त के बोनी कपूर के हाथ में रख दिए। और ये बात भी संजीव कुमार के निधन के बाद ही पता चली, जब बोनी कपूर संजीव कुमार के परिवार वालों के पास गए और उन्होंने 2 लाख रुपए उन्हें लौटाए थे। भाई देने वाले भी तुम और लेने वाले भी तुम, समझ गए ना? लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग रहे जिन्होंने संजीव कुमार के पैसे कभी वापस नहीं चुकाए, और संजीव कुमार के जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि उनकी दरियादिली को बयान करते हैं। बहरहाल संजीव कुमार चले गए, पीछे छोड़ गए अपनी यादें, अपनी दरियादिली, अपना प्यार, अपने काम की ऐसी छाप जो हमारे दिल में हमेशा छपी रहेगी। संजीव कुमार के जाने के बाद उनकी तकरीबन 10 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें 1986 में कांच की दीवार, हाथों की लकीरें, छोटा आदमी, बात बन जाए, वहीं 1989 में फिल्म आई थी प्रोफेसर की पड़ोसन, जो कि उनकी आखिरी रिलीज फिल्म साबित हुई। गुलजार इनकी मौत से इतने आहत हुए थे कि उन्होंने फिर फिल्में बनाना ही बंद कर दिया था। गुलजार ने कहा था संजीव के बिना अब वो फिल्में नहीं बनाएंगे, उनका मन फिल्म बनाने से उचट गया है। संजीव कुमार के अवार्ड की बात करें तो इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। 1988 के आसपास संजीव कुमार की याद में एक सड़क का नाम रखा गया, संजीव कुमार मार्ग। ये गुजरात के सूरत में है। इसका इनॉग्रेशन सुनील दत्त ने किया था। सूरत के एक स्कूल का नाम तो श्री संजीव कुमार प्राथमिक शाला रखा गया। 2013 में केंद्र सरकार ने संजीव कुमार की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया। वहीं सन 2013 में संजीव कुमार ऑडिटोरियम बनकर तैयार हुआ था, और इस सभागार को जरीवाला परिवार ने संजीव कुमार की सारी ट्रॉफीज भेंट कर दी थी, ताकि संजीव कुमार के चाहने वाले वहां आकर संजीव कुमार के अवार्ड्स को देख सके।
और उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तब मोदी जी ने कहा था कि संजीव कुमार को सम्मानित करने के लिए हमने ऑडिटोरियम बनवाया है। इस काम से फिल्म इंडस्ट्री में सबको हैरानी तो होगी, पर साथ ही हमारा मकसद ये एहसास कराना है कि संजीव कुमार कितने बड़े नायक थे। संजीव कुमार के लिए जितना बताएं उतना ही कम है। संजीव कुमार के नाम से एक एनजीओ भी है, संजीव कुमार फाउंडेशन, जो कि बच्चों के लिए काम करता है। सूरत नगर निगम हर साल संजीव कुमार ड्रामा कंपटीशन करवाता है, जिसमें संजीव कुमार के नाम से अवार्ड और कैश प्राइज दिए जाते हैं। कला और साहित्य के लिए भी संजीव कुमार के नाम से एक अकेडमी है, संजीव कुमार अकेडमी ऑफ आर्ट एंड परफॉर्मेंस। भारतीय कला और साहित्य को सीखने वाले बच्चों को प्रेरित करना और स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना। संजीव कुमार ऐसे विरले इंसान थे जिनकी खूबी को बताने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। बीवी का टीवी सलाम करता है अभिनेताओं के अभिनेता संजीव कुमार साहब को। आज भी उनकी दिल में याद इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने काम को बड़ी शिद्दत से किया। अब हमारा जो अगला काम होगा, जो शिद्दत से लेकर आएंगे, वो किशोरदा तो होगा लेकिन उसमें वक्त लगने वाला है। लेकिन उससे पहले आप तक पहुंचाएंगे ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की बायोग्राफी। और हमारे बाकी जो चैनल्स हैं उन्हें भी प्यार दीजिए। टीवी का टीवी बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक चैनल है, वहाँ आप देखिए, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं। साथ ही चाचा हिंदुस्तानी हंसाने का काम करते हैं और हमारा फिल्मी झरोखा आप तक फिल्मी छोटी छोटी बातें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आता है। और एवी का टीवी पर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और बच्चों के लिए भी कई चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। साथ ही एक स्वास्थ्य को लेकर भी चैनल है हमारा, क्या हालचाल है जी, उसे भी ज़रूर देखिए। उसमें आपको बहुत सारी ऐसी टिप्स मिलेंगी जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा नमस्कार और डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार।